हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इंडियन टेस्ट। फ्रेंड, आज हम गट्टे की सब्जी बनाएंगे देसी तरीके से। तो फ्रेंड, उसके लिए हमने 1.5 लीटर पानी ले लिया है। पानी में 1 पिंच हींग डालेंगे। अब इसे गैस पे चढ़ा दिया है उबलने के लिए। तो जब तक हमारा पानी उबल रहा है, तब तक हम गट्टे की आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए एक प्याला को तेल से ग्रीस करेंगे। जब हम बेसन इसमें डाल के गूंदेंगे तो बर्तन में चिपकेगा नहीं। अब इसमें 1 से 1.5 कप बेसन डाल लेंगे, या आपको जितना यूज होता है उतना डाल लें। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप बेसन यूज कर रही हूँ। अब इस बेसन में 1 पिंच हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को मसल के डालेंगे ताकि अच्छी सी टेस्ट आए। अब गुनगुना पानी लेंगे। तो ये पानी गुनगुना हो गया है, उंगली तो नहीं डालना चाहिए था। मैं आपको दिखाने के लिए डाली कि इतना गुनगुना पानी होना चाहिए। अब इस गुनगुना पानी से आटा को गूंदेंगे। तो इसके लिए हम मोयम डालेंगे, तभी हमारा मुंह में घुल जाने वाला गट्टे बनेगा। तो 1.5 से 2 बड़े चम्मच डालना है तेल या रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं। तो मोयम को देखने के एक तरीका है कि हम पहले मसल लेंगे इसमें तेल और बेसन को, तो इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो मैंने मिक्स करके बांध के देखा तो ये बंध रहा है, तो इसका मोयम बराबर है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को गूंद लेते हैं। तो इस तरीके से गूंदेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी, 1 से 1.5 चम्मच पानी हमने डाला। अब इसे ज्यादा नहीं मसलेंगे। अगर हम ज्यादा मसल देते हैं तो गट्टे हमारा अंदर से बहुत ही ज्यादा चिपक जाता है, और वही गट्टा अंदर से कच्चा रह जाते हैं। तो इतना ही पानी में हल्के हाथों से इसे ऐसे मिक्स करेंगे ताकि बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। तो अब ये हाथ में जो लगा हुआ है बेसन, ये आसानी से नहीं निकलते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाकू या चम्मच लेंगे, उसे निकाल लेंगे। तो बेसन इस तरीके के हो गया है। तो अब हाथ साफ कर लेते हैं। अब इस बेसन में कुछ भी नहीं डालेंगे, बस हाथ साफ करके फिर धो लेंगे। धो के साफ कर लेंगे सूखे कपड़े से, फिर थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे। अब इसे फिर से मच लेंगे, पानी उनी कुछ भी नहीं डालना है। तो बस बेसन को इतना ही गूंदना है। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाता है, और जब आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाता है ऐसी वाली गट्टे की सब्जी। तो आप देख रहे हैं मैं ज्यादा नहीं गूंदी हूँ इसको, बस इतना गूंदना है। बस आप गूंदने में ध्यान रखेंगे तो आपके गट्टे बहुत ही अच्छे बनते हैं, अच्छे बनेंगे। तो अब इसका इस तरीके से छोटे छोटे पीस तैयार कर लेंगे, लंबा लंबा, ना ज्यादा मोटा हो ना पतला हो। तो मैंने सारे तैयार कर लिया है। अब पानी उबल गया है, तो उबलते हुए पानी में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें गट्टा डाल लेंगे, उबलते हुए पानी में ही गट्टा डालना है, और लगभग 3 से 4 मिनट तक उबलते हुए पानी में खुले में पकाएंगे। अगर हम इस टाइम ढक देते हैं तो पानी उबल के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 मिनट तक ध्यान रखेंगे, तब जब तक गट्टे ऊपर नहीं आ जाते हैं उबल के। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में गट्टा ऊपर आ गया है। अब इसे लो फ्लेम करके कोई एक चम्मच रख लेंगे, और उसमें इस तरीके से ढक्कन रख देंगे और इसे पकने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट, या 10 मिनट भी लग सकता है। मसाले में देख लेते हैं, हमने काली मिर्च और जीरा लिया है, 8 से 10 लहसुन के कलियां, 2-3 हरी मिर्च, 2 टमाटर, 2 प्याज। इन सब को बारीक काट के मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे।
तो मैंने टमाटर को भी काट लिया, प्याज को भी, हरी मिर्च भी, लहसुन भी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च और जीरा आधा आधा चम्मच ली थी। अब 2 से 3 चम्मच पानी डाल के बारीक पेस्ट बना लिया हमने। अब इसमें सूखी मसाला ले लेते हैं तड़के के लिए, खड़े मसाला। तो 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 पिंच हींग डालेंगे और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, ये हम तड़के में डालेंगे। अब सूखी मसाला देख लेते हैं, सूखी मसाले में क्या सब यूज होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मीट मसाला लिया है। ये नॉन वेज है पर हम लोग इसे वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब 1 कढ़ाई गरम किया है, इसमें सरसों का तेल डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच जितना। अब इसे अच्छे से गरम करेंगे। अब इसमें सारे खड़े मसाला एक साथ ही डाल देंगे। अब तेज पत्ता भी तोड़ के डालेंगे और हरी लाल मिर्च को भी तोड़ के डाल लेंगे और इसे अच्छे से डार्क गोल्डन होने देंगे, तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें सूखी मसाला डालने से पहले हम फ्लेम को बंद कर लिया, नहीं तो सूखी मसाला तुरंत जल जाते हैं। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया, जैसे कि लहसुन प्याज टमाटर जो लिया था। अब हम गैस को चला लेंगे। तो जब भी आप सूखी मसाला डालें तो फ्लेम को बंद करके डालें। तो मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ, बचा जो था हमारे मिक्सी में तो उसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने उसमें पानी भी डाल दिया लगभग 1.5 से 2 चम्मच जितना। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे बंद करके 5 से 7 मिनट तक मसाले को पकने देंगे। तो फ्रेंड आप ध्यान रखें, मसाला को अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले में से तेल सेपरेट नहीं होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कड़छी में भी हमारा तेल आने लग गया है। तो अब यहाँ पे गट्टे भी तैयार है हमारा उबल उबल के। तो गट्टे का पानी छान लेंगे, ऐसे अगर हम छन्नी से निकालते हैं तो गट्टे बिना शेप के टूट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी छान लिया है, अब चाकू के सहायता से काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे गरम गरम काट रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से काट रही हूँ। अगर आप ठंडे करके काटते हैं तो और भी अच्छे तरीके से काट लें। तो ये देखिए मसाला को और हमने भून लिया, लगभग 2 से 3 मिनट तक मसाला कढ़ाई में चिपकने लग गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मसाला हमारा भून गया है अच्छे से। अब इसमें गट्टे डाल लेंगे और वही गट्टे वाला पानी डालेंगे, अलग से पानी नहीं यूज करेंगे, जो हम गट्टे में डाला था वही डालेंगे। अब टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे उबलने देंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक। तो हमारे गट्टा उबल गया है। अब 1 बड़ी चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी डाल लिया, या आप धनिया के पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये आप इसे चावल या पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।